हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज मैंने ब्लॉग बाहर से शुरू कर दिया। यहाँ पर जो परिंडा है वो रखा है, यानी कि जो जानवरों के लिए पानी पिलाने का हमने जुगाड़ बनाया था उसको रखा है, और अभी थंबनेल ले ही रहे थे। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अंदर, और अभी सुबह हुई है। जैसा आप देख पा रहे होंगे पीछे अपने सूरज भगवान है वो आए हुए हैं। फटाफट अंदर चलते हैं और थंबनेल को एडिट करते हैं। फाइनली दोस्तों शाम हो गई है और ब्लॉग मैंने शुरू सुबह किया था आपके सामने, और अभी चलते हैं बाहर। आज के ब्लॉग में करने के वाले हैं, मेन प्रॉब्लम थी अपने इस प्रोजेक्ट के साथ कि भैया पानी गर्म हो जाता है दोपहर में। आप खुद मैंने दिखाया नहीं, फिलहाल मैं आपको हाथ लगा के दिखाऊं, अभी भी थोड़ा बहुत गर्म है दोस्तों, आपको दिखाऊं। तो ये देखो अपना प्रोजेक्ट है वो रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसी जगह फिट करना है जहां पर जानवर या फिर पक्षी जो भी है वो आ भी सके, पानी भी पी सके, और वरना वो नहीं आने वाले। जहां पर हम रहते ना, अभी हम यहां पर रहते हैं तो यहां पर कंफर्म नहीं आने वाले। जहां पर हम लोग रहते हैं वहां पर पक्षी नहीं आते हैं क्योंकि वो डरते हैं हमसे। तो हमें क्या करना होगा, इसको ऐसी जगह रखना होगा जहां पर ठंड भी रहे, पानी गर्म भी नहीं हो, पक्षी भी आ सके। तो ऐसी परफेक्ट जगह होती है कोई पौधा जिसके ऊपर हम रख दें। पौधे पर इस प्रोजेक्ट को रखना मतलब इसका मीन ही खत्म हो गया। हम कोई बिकर बना के इसको सीधा ही लटका देते पौधे के ऊपर। तो अब इसको कोई परफेक्ट जगह सोच रहा था मैं कि कैसी परफेक्ट जगह लगाई जाए, और मेरे हिसाब से एक परफेक्ट जगह है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं बैठा बैठा ही आपको दिखा दूंगा, आपको सामने दिख जाए तो रुको अभी स्कोप कर लेता हूँ। ये देखो सामने जो मोर बैठा है ना, ये देखो वो बैठा मोर, इसके छत के ऊपर हम रख सकते हैं। यहाँ पर छोटे दो मकान है उनकी छत पर हम रख सकते हैं, और ऊपर पेड़ की छांव भी रहने वाली है जो कि काफी अच्छा फ्यूचर है अपने लिए। चलिए दोस्तों अब वहां पर चलते हैं और इस प्रोजेक्ट को वहां पर रखते हैं, और एक बार मैं आपको लाइव दिखा दूं यहाँ पर लाकर। देखो अभी मैं क्या है कि स्टूडियो से इधर जा रहा हूँ ना, सभी मेरे तरफ देखते हैं हाथ में कैमरा लिए हुए, थोड़ा सा वो हो जाता है ना बोलने में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है। ये देखना अभी आपके सामने लाइव, ये है वो अपना मेन चीज। ये देखे दोस्तों आपके सामने लेके आ गया हूँ, इसका लुक देखिए कितना अमेजिंग वाला आ रहा है, एक नंबर। और ये देखो अभी सिग्नल है वो दे रहा है कि इसके अंदर पानी नहीं है, जाहिर सी बात है पानी है ही नहीं। और ये देखो यहाँ पर क्या है कि एक पत्ती है वो ऊपर वाले इसके साथ अटैच होती है। ये थोड़ा सा डिस्चार्ज भी हो गया है कल का, मैंने इसको फुल चार्ज भी नहीं किया था, और दूसरी बात काफ़ी मजे ले रहे थे हम इसके। दोस्तों इसका लुक देखो कितना अमेजिंग वाला आ रहा है, कमेंट में आप जरूर बताना कि आज से पहले आपने ऐसा कभी लुक देखा है, जो कि पक्षियों को पानी पिलाने के लिए जाहिर सी बात है। चलिए वहाँ पर इसको रख के आते हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पर अपना जो परिंडा है, अपना प्रोजेक्ट है, उसे मैंने लगा दिया, और अभी ये टीएनटी कर रहा है। एक बार मैं इसको ऊपर उठा देता हूँ, ये कह रहा है पानी डालो, पानी नहीं है, फटाफट इसमें पानी डालते हैं और यहाँ पर असेंबल कर देते हैं। इसी छत के ऊपर मैं आया हुआ हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने पूरा ऊपर तक इसे भर दिया है पानी से, और ये देखो अभी पूरा यहाँ पर आ गया है, वरना ये टीएनटी करने लग जाता। चलिए दोस्तों अब चलते हैं, और ये रहो अपनी बाल्टी, अब कल हम इसको वापस से रिसाइकिल कर देंगे इसी समय शाम को। फाइनली दोस्तों आज है अपने परिंडे को रखे हुए लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं, मतलब पक्षियों के लिए पानी बनाने का जो जुगाड़ हमने किया था। और अभी मैं आपको बताऊं तो अभी उसके अंदर टीटी की आवाज आ रही है, मैंने कैमरा ऑन कर दिया, अभी आप सुनना। ये देखिए दोस्तों आपको सुनाई पड़ रहा होगा, वहां पर रखा हुआ है सामने। आई होप दोस्तों आपको बजर की वॉइस है वो सुनी होगी अभी, और ये देखो यहाँ तक मुझे सुनाई पड़ रही है। फटाफट उसके अंदर पानी रिलोड करके आते हैं, रिलोड या रिसाइकिल करके आते हैं, रिलोड तो गन में होता है। यहाँ पर दोस्तों हम पानी डाल रहे हैं बाल्टी में और फिर लेके जाएंगे। दोस्तों अभी आप काफी आसानी से सुन पा रहे होंगे, ये देखो दोस्तों आपको अब तो अच्छे तरीके से बजर है वो सुनाई दे रही होगी, मुझे छत के ऊपर सुनाई पड़ गया था कि यहाँ बजर चल रही है। ये देखो दोस्तों आपके सामने बजर बज रही है, और इसके अंदर पानी है वो कम हो गया, देखो इतना पानी रह जाता है फिर बजर बजने में शुरू हो जाती है। और भैया इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैंने, ये देखो पानी थोड़ा थोड़ा गंदा हो गया है, हालांकि इसकी छत है वो काफ़ी ज़्यादा इसको प्रोटेक्शन दे रही है। फटाफट इसके अंदर से पानी मैं निकाल देता हूँ है वो सारा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है हमें। ओ भाई अपना शेल है वो निकल गया एक साइड, ये देखो डबल साइड शेप से मैंने चिपकाया था इसे, ये देखो नीचे शेल चिपका हुआ है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं निकाला इसके अंदर से। चलिए दोस्तों अब इसके अंदर पानी डालते हैं, एक बार थोड़ा सा और साफ कर देता हूँ मैं इसे। यहाँ पर बजर है वो बंद हो गई है, ये देखिए दोस्तों मैंने काफी अच्छे तरीके से पानी है इसके अंदर डाल दिया है, फुल पैक हो गया है। और अभी मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर एक दो पक्षी बैठे हुए दिखाई दे ही जाएंगे, यहाँ पर काफी सारे पक्षी है वो आते हैं। ये देखिए दोस्तों आपके सामने अपना प्रोजेक्ट है वो वर्क किया है, और इसी व्लॉग को मैं आपको दिखा दिया क्योंकि व्लॉग 2-3 दिन से मैंने डाला नहीं था, और जंप करते हैं अभी। चलिए अब चलते हैं वापस अपने स्टूडियो में। हेलो
फाइनली दोस्तों हमने पानी को रिसाइकिल कर दिया और अभी स्टूडियो में आ गया हूँ और तुरंत से भैया का कॉल आया, अभी जस्ट ऊपर आ रहा था, आपने सुन लिया हुआ रिंगटोन चल रहा था कि भैया आए हुए हैं और अपना एक पार्सल आ गया। इसी ब्लॉग में आपको पार्सल दिखाई दूँ क्योंकि भैया इतने ज्यादा ब्लॉग हो चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी अब तक इसकी डलने की बारी नहीं आई है। लगभग 4 दिन का वेटिंग है और इससे भी एक दो प्रोजेक्ट और वेटिंग में चल रहे हैं, एक दो ब्लॉग और चल रहे हैं, प्रोजेक्ट तो मैं डालता रहता हूँ। चलिए अब चलते हैं, ये रहा मोबाइल लेके चलते हैं हमने वीवो वाला। Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to finally dosto yahan par apna parcel hai wo aa gaya apne paas और इसके अंदर क्या है वो अभी जाके हम अनबॉक्सिंग करेंगे। फाइनली दोस्तों यहाँ पर मैं पार्सल लेके आ गया हूँ, फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। मैंने एक ही ब्लॉग में आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर हमने सुबह एक जो प्रोजेक्ट बनाया था वो पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले इसको खोलते हैं। ये रही स्पीकर और यहाँ पर आपने देख लिया है कि फेविक्विक मैंने मंगाई है और ये देखो फेविक्विक भेजी है। देखते हैं क्या कुछ खुले आए हैं भैया इनके ढक्कन वगैरह वगैरह तो आप देखते हैं इनके अंदर क्या कुछ मिलता है अपन को। फाइनली दोस्तों मैंने अनबॉक्सिंग कर दिया और 20-20 ग्राम की दो फेविक्विक है वो हमने मंगाई है। अब दो क्यों मंगाई है, 20-20 ग्राम वाली क्यों मंगाई है, इनके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि अभी मैं कहीं जाने नहीं वाला था, मतलब कोई मार्केट में नहीं जाने वाला था, फिर मैंने सोचा ऑनलाइन परचेस कर लेते हैं। ये देखो मेरे पास पहले थी वेगाक्विक, फेविक्विक मंगाई है, अब की बार वेगाक्विक थी जो कि इसका रिस्पॉन्स काफी बढ़िया है फेविक्विक से। ये देखो यहाँ पर इसके अंदर बिल्कुल थोड़ी सी बची हुई जो कि आज के प्रोजेक्ट को बिल्कुल मतलब छोटा प्रोजेक्ट था इसलिए बन गया, वरना बनता ही नहीं। छोटे वाली होती है ना उनसे बहुत दिक्कतें आती है, इसलिए आज मैंने बड़ी वाली मंगा ली दो और ये देखो फुल भरी हुई आई है। हम क्या करते हैं एक का यूज करेंगे और एक को बंद करके छोड़ देते हैं और इन ढक्कन से शायद ये ओपन होती है, ऊपर से खुलती है कुछ इस प्रकार से। और ये देखिए मैंने एक को खोल दिया है आपके सामने, ये इनके ऊपर मिलते हैं, इनका काफी अच्छा रोल है, वैसे ये इसके अंदर नहीं मिला था तो इससे ज्यादा फेविक्विक है वो खराब नहीं होती है। फाइनली दोस्तों मैंने आपके सामने इनकी अनबॉक्सिंग कर दी है। ये 203 नंबर मॉडल की है और 203 रुपए की मुझे मिली है, दोनों की दोनों दो मंगाई है मैंने, 2 का पैक आया 203 रुपए का। आई होप दोस्तों ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा और आज इसी बहाने व्लॉग को एंड करने का भी मौका मिल गया क्योंकि उस दिन शाम को मैंने व्लॉग एंड नहीं किया था, वीडियो डालने में अपलोड करने में लग गया था। चलिए दोस्तों आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आई होप दोस्तों इस व्लॉग में आपको मजा आया होगा और कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिला। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं कल ऐसे ही नए व्लॉग के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। भैया कल पता नहीं कब आएगा क्योंकि व्लॉग की लाइन लगी हुई, अपना आईफोन है वो फुल भर गया है व्लॉग से, मैं देख रहा हूँ जल्दी कुछ न्यू करने की कोशिश कर रहे हैं हम।